सब भैन भाइयों नूं सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। अज दी जिहड़ी गलबात है वह पी टी आई दे जिहड़े साडे डीलरस ने, सिलैक्टिड डीलरस, आई मीन सिलैक्टिड लीडरस ने जिहड़े अपने आप नूं कलवांदे ने, असीं उहनां दे बारे गल कर रहे हां। तुसीं जाणदे हो कि ए पी टी आई जिहड़ी है वह इस वक्त इमरान सरकार जिहड़ी है वो अपनी 3 साल की जिहड़ी कारकरदगी है, जिहड़ा उन्होंने जो कुछ किया कराया है उस किते किराए का वो हिसाब देन दे ने, उहदी तशहीर करते पे ने, उहदा चर्चा करते पे ने। इस चर्चे के दरम्यान मैं सोचना हाँ कि जिहड़े साडे डीलरस ने, आई मीन लीडरस ने, इन्हां ने की किया है साडी कौम लई। अज दे प्रोग्राम की जिहड़ा मुढ़ है वह बनिया है एक तस्वीर, और वह तस्वीर ऐ है। यह तस्वीर जी है ये तुसीं देख रहे हो कि जनाब जमशेद थॉमस साहब MNA जिहड़े ने, मैंबर नैशनल असैम्बली ने, वह IG पंजाब नूं फुल पेश कर रहे हैं, और उत्ते जिहड़ी कैप्शन लगी है वह लिखा होया है बई शेरा कोट ते पठान कलोनी, यानी कि खान कलोनी जिहड़ी इत्थे लाहौर दे विच है, इत्थे फिरोजपुर रोड दे उत्ते है, उहदे हवाले नाल इन्हां ने मीटिंग की है IG दे नाल। लेकिन इन्हां दे चेहरे दे जज्बात और इन्हां दे हाथ 'च फड़े हुए जिहड़े फुल ने वह ये दसदे पए ने कि IG साहब नूं जदों मिलणगे ने तां दरअसल ग्रीट करन गए ने, उन्हां नूं कोई शाबाश देण गए ने, उन्हां नूं कोई जिहड़ी है वह उन्हां थापड़ा देण गए ने। पर सानूं ज ये फिक्र है कि शेराकोट दे विच ते साडे जिहड़े लोग ने उन्हां नूं गोलियां वजियां ने, और जिहड़ा साडा केस है नसीराबाद वाला उहदे विच वी जिहड़ा है अफगानियां ने जां पठाणा ने आके साडे घरां दे उत्ते हमले कीते ने और मारिया कुटिया है। तो आम तौर पर असीं क्योंकि समझदे हां कि मजहबी लड़ाई नहीं है, लेकिन असी इस गल तो जानते हाँ कि ये दो मजहबी ग्रुपों की लड़ाई तो हो सकती है ना, अगर स्ट्रीट बॉयज़ की भी लड़ाई है तो इस तरह की है। लेकिन अगर ये मतलब कौम के लीडर बनने के चक्कर या लीडर के तौर पर गए ने, तो फिर तो इन्होंने चाहिए सी कि बजाए दे के फुल लैके जाते, ये IG मिलन गए सन। तो IG जो एक पब्लिक सर्वेंट है, ये मैंबर नैशनल असैम्बली ने, और जोड़े साडे जोड़े हकूक ने क्रिश्चन कम्यूनिटी के हकूक ने, उन्होंने सो कॉल्ड कस्टोडियंस ने। अगर एक कस्टोडियंस ने तो किस तरह के कस्टोडियन ने कि जो सानू मार पई है तो उन्होंने फुल देने भी होर मतलब मारो, या उन्होंने शाबाश देने भी चंगा किया जे धुन के रखो, की कह गए ने जमशेद थॉमस साहब और उन्होंने साथी जोड़े ने, वो बड़ा फखर के नाल तस्वीर ने, तुम तस्वीर वेखो और ये तस्वीर ने नाले चलदी रहनगियां ताकि तुम अंदाजा कर सको ये जो साडे सियासी डीलरस ने और ये सियासी जड़े साडे मतलब सो कॉल्ड लीडरस ने ये करते की पे ने। अच्छा ये सिर्फ PTI के उत्ते हुण जमशेद थॉमस की गल है, तो बाकियों का भी यही हाल है। मोहतरमा जड़े ने सुनील अरोड़ साहबा ने, इन्होंने फतेहाबाद के जाके तो क्या कि जो सीधी करार वाके सजाओ तक अस जावे, और दूजे दिन इन्हों और इन्होंने लोगों ने बिच पै के सुलह करा ली, और उत्थे दो एक मिनिस्टर साहब और एक MNA मैडम सुनील अरोड़ साहबा और एक सूबाई मिनिस्टर जनाब एजाज आलम अगस्टिन के मौजूदगी, और इन्हें PTI की पूरी जी लाहौर की सारी फोर्स है उन्होंने होंदया हो भी जी गल सुलह तक पहुँची। जबकि उत्थे 150 बंदे ने बकौल उतों के जोड़े लोग ने 150 बंदे ने हमला किया एक कर दते, और पूरी आबादी ने मिल के जोड़ा है वह सामना किया। मैं पूछना चाहता हाँ कि क्या तुम जमशेद थॉमस साहब इन सारिया जड़िया मतलब इन दिन कार्रवाइया ने पुलिस दियाँ इन्होंने वास्ते उन्होंने शाबाश देन गए हो? असल सियासी डीलर हो लेकिन अच्छे डीलर नहीं गए गए। जदों इमरान सरकार अज अपने 3 सालों का हिसाब देन दी है अकलीतों का हिसाब दे, अकलीतों के किन्ने बच्चे बच्चिया जड़े ने वह जड़े ने वह जेलों के गए ने नाजायज़, किन्ने बच्चे बच्चिया ने जिन्हों जबरी इस्लाम कबूल कराया गया, किन्ने बच्चे बच्चिया ने जिन्हों का है अर्ली जड़ा है मैरिज जड़ा है अंडर एज मैरिजिज जड़े ने उम घट उम्र जी शादी है वह शिकार होए ने, उन्हों का तुहाडे कोल की रिकॉर्ड है और तुसीं उन्हां वास्ते की कीता है? मेरा सवाल है जमशेद थॉमस कोलों खास तौर पर, क्योंकि उनकी तस्वीर पर असीं अज गल करने पए हां कि तुसीं IG नूं जिहड़ा है फुल पेश करन ते आ गए हो, लेकिन तुसीं असैंबली दे विच साडी की नुमाइंदगी की है? हुण तक तुसीं किन्ने बिल पेश कीते ने, किन्ने बिल पास कराए ने? जिहड़ी इमरान सरकार है इन्हें हुण तक की कीता है? सानूं अगर रिलीफ कितों मिलदा पिया है तो अदालतां ने, और साडे लीडरां दा हाल ते वे कि मंडा मंडा पाउण वास्ते रखे ने।
इमरान सरकार च खास तौर पर इस तरह होंगे कि हर गल के मंडा मंडा पा दो। मैं दसो कि तुम सिर्फ मंडा मंडा पा लियो तो फिर ठीक है, जिनी कु साढ़े ना होने ही हो हाले हूने हूने मेरे को एक खबर आई है, हाले हूने हूने मेरे को एक खबर आई है कि एक पिंड जड़ा है वो उतों के जोड़े चौधरी ने उत्थे 10-12 घर ने और सदियों तो उत्थे रहन दे ने, उन्होंने उन्होंने घर तो विचो बेदखल करते पे ने और ये क्लेम करते पे ने कि जमीन साड़िया ने। यह दसो कि जोड़े ये साल साल तो और सदियों तो उत्थे बैठे ने, इन्हों का कौन वाली वारस है? तुसी उत्थे ते कदी नहीं पड़े। अज ही मैं एक शाबाश भी बल्कि देंगा शीरी असलम नू जिन्होंने पी टी आई तो रिजाइन किया है और अटक जड़ा है उतों ने और तलक रख दे, उन्होंने एक बड़ा वड्डा काम किया है। नेहा नाँ की एक बच्ची है और नवीद एक खाकरूब है वो बेटी है, 13 साल की बच्ची है, 3 महीने अगवा रही है और तहनू तुम इस्लामाबाद चो सर तुहानू पता नहीं है और पिंडी चो उन्होंने दादरसी वास्ते लैके गए ने और उन्होंने अटक तो पिंडी और पिंडी तो अटक के दरम्यान जड़ा है वह किया है और मोटा डॉक्टर नाँ का आदमी है जिन्हें 3 महीने अपने घर रखी है और फिर उन्होंने घर दे जिया नहीं लभ्या है। पुलिस और सियासी लोग मरे पे ने, यह है साडा हाल और उस बच्ची की उम्र टोटल 13 साल है। और मजे की गल यह है कि मैं तुहानू एक खबर ब्रेक कर रहा वहाँ कि उस 13 साल की बच्ची जबरन इस्लाम कबूल करवा के कबूले इस्लाम के जोड़े कागजात ने उन्होंने पेश किए ने जो पुलिस ने उन्होंने रेड किया और अगवा का परचा उन्होंने पहले दिन तो ही किया और 3 से 4 महीने बाद ली कुड़ी और वह भी उन्होंने खानदान ने आप लभ्या। एक बच्चा है असं खबर अब ब्रेक कर रहे हैं, वह बच्चा है कोई 12-13 साल का 14 साल का, उन्हें वेख्या तो उन्हें अपने घर की अपनी भैन पहचाने। श्री असलम और असी अलबर्ट डेविड वर्गे जड़े वड्डे और तगड़े और निडर लोग ने, असं उन्होंने सल्यूट पेश करने हैं लेकिन नाल ही नाल तुहाडे वर्गे लोगों को असं पूछांगे कि तुसी पुलिस को इस करके थापड़ा देन गए हो कि चंगा सानू तुन के रखो। तुहाडा हाल उन्हां सियासी बोणियां वर्गा हो गया है, उन्हां मोछियां वर्गा हो गया है जिन्हां दे मतलब पंजाबी फिल्म का एक डायलॉग बड़ा फिट बैंदा है कि चौधरी जाने ते कादर जाने मोछे तू भुन दाने। तुसी सिर्फ दाने भुनण वाले मोछे हो, सियासी बोने हो और ताडे नालों चंगा ते अपोजिशन का अपना वो जिहड़ा साडा सैनेटर है कमरन माइकल उन्हें चंगा कर दिता है, उन्हें तो स्टैंडिंग कमेटी के बैठ के अच्छी खासी गल जी चुकी है। हालांकि असी कमरन माइकल साहब के हमेशा खिलाफ ही या उन्होंने जी चीज़ा ने उन्होंने जी उन्होंने नैगेटिव चीज़ा ने असी उन्होंने किया है और असी वो बार बार करते रहने लेकिन ये बावजूद अज असी उन्होंने शाबाश देने। ये सिर्फ 2-3 वाक्यात ने, हाले हज़ार हाँ हज़ार वाक्यात ने। हैदराबाद जिथे लोगों ने फटड़ करके मरने पाते ने बंदे उत्थे पुलिस नू देंदे शाबाश, जरूर दिओ पुलिस नू शाबाश लेकिन किहड़े वजह नाल तुसी फुल पेश करन गए। और अगर फर्ज करो तस्वीर क्योंकि बोलती नहीं है, तस्वीर का अगर दूसरा रुख वेख्या जाए कि तुसी यह भी कह सकते हो कि आई जी ने तुहानू फुल पेश किए ने, आई जी ने तुहानू किस चक्कर च फुल पेश किए ने? तुहानू तो चाहिए सी कि उत्थे जाके स्यापा पाउंदे, तुम तो चाहिए सी उत्थे जाके एहतजाज करदे, तुम तो चाहिए सी उत्थे जाके रौला पाउंदे, तुम तो चाहिए सी कि उन्हों बाहर बुलाते, तुम तो चाहिए सी कि तुसी अपने नाल कोई 4 जी इकट्ठे करदे ते आई जी नूं बुलाते और कहिंदे कि साडे नाल जाती हुई ते की कीता ई, उहदे कोल रिपोर्ट लैंदे, उह तुहाडा मुलाजम है, उह पब्लिक सर्वेंट है और तुसी पब्लिक दे राइट्स दे कस्टोडियन हो, तुसी नैशनल असैंबली दे मैंबर हो। इस करके अज तो बाद जेड़ा भी इस तरह करेगा मैं उन्हूं सिलेक्टेड लीडर नहीं काम करांगा, सिलेक्टेड डीलर काम करांगा। और बाकी क्योंकि तुसी तुहानूं कोई फर्क नहीं पैना इस गलबात ना, इस करके मैं एंड ते फिर कहांगा कि चौधरी जाने ते कादर जाने मोछे तू भुन जाने। अज दी गल इत्थे खत्म करने आ, रब रखा।